अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल शमाए उर्दू पे। आज हम पढ़ेंगे अगला सबक। आज का हमारा सबक है हे। जब हम हे को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी होती है और उसे किस तरह लिखा जाता है, ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है हे की। लेकिन जब इसे हम किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो इसकी शक्ल कैसे बदल जाती है। तो बे के साथ हे को मिलाया तो बन गया भे, और बे के साथ हे को मिलाया तो फे, ते के साथ हे को मिलाया थे, टे के साथ हे को मिलाया ठे। जब जीम को हे के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा झे, और चे को हे के साथ मिलाएंगे तो छे, और दे दाल को हे के साथ मिलाएंगे तो धे, और डा को हे के साथ मिलाएंगे तो ढा, रड़ा को रड़े को जब हे के साथ मिलाएंगे तो ढे, और इसी तरह काफ को जब हे के साथ मिलाएंगे तो खे, गाफ को जब हे के साथ मिलाएंगे तो घे। और यहाँ पे अभी तक तो हमने सिर्फ दो हर्फ को मिलाया था तो दो हर्फ की आवाज़ निकली थी, लेकिन साथ में अब अलिफ भी आ गया, यानी दो के बाद तीन हर्फ हरूफ हो गए। ता भी है, ते भी, और हे भी, और अलिफ भी। ता और हे को मिलाएंगे तो थे हो रहा है, लेकिन अलिफ के साथ आया तो था पढ़ा जाएगा, था। इसी तरह यहाँ पे काफ को हे के साथ मिलाएंगे तो के हो रहा है, लेकिन अलिफ के साथ आ गया तो के। इसी तरह यहाँ पे बे है और इसे हे के साथ मिलाया तो बे, और यहाँ पे राबी है तो हो जाएगा भीर। इसी तरह बे को हे के साथ मिलाया भे और सीन के साथ भिस। इसी तरह यहाँ पे बे को हे के साथ मिलाया और यहाँ पे टे भी हो गया तो हो गया भिट। इसके बाद है बा और बे और हे भे, और फिर उसके ऊपर टे लगा हुआ है तो ये हो गया भट। फिर उसके बाद पे है और हे है और फिर रे, तो ये हो गया फुर। इसी तरह डा और हे और फिर बा, ढब। इसी तरह डा और हे और काफ, ढक। था ता है और हे है और मीम है, थम। इसे पढ़ेंगे थम। इसके बाद जीम है और हे है और फिर टा, तो हो गया झट। इसी तरह चा है और फिर नून, झन। इसी तरह चे है और हे और फिर ता, झत। इसी तरह दाल है और फिर रा, धर। इसी तरह काफ है, काफ के साथ हे है और फिर लाम है तो खिल, नीचे जेर है ध्यान रखिए। फिर पा है, फिर हा है, फा, और फिर लाम, फल। इसी तरह काफ है, उसके ऊपर पेश है के साथ मिलाया और फिर रा, खुर। गाफ है के साथ मिलाया और रा, घुर, घर। इसी तरह लाम है और काफ के साथ हे मिला हुआ है, नीचे जेर है तो लिख। इसी तरह रा है रे के साथ, रे के ऊपर जबर है और काफ के साथ हे है तो रख। इसी तरह पे है, उसके ऊपर टा है और फिर रा, पढ़। इसी तरह लाम है और फिर टे के ऊपर हे, टे के साथ है, लठ। इसी तरह सीन है, सीन के ऊपर पेश है और दाल के साथ हाँ मिला हुआ, सुध। तो देखा साथियों आपने कितनी आसानी के साथ हरूफ को मिलाया जाता है और उनकी आवाज़ कैसी मुख्तलिफ हो जाती है और उनकी शक्ल भी कैसे मुख्तलिफ हो जाती है। तो एक बार इसे फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। एक बार रवानी से पढ़ लेते हैं इसे। भा फा था डा झा छा धा ढा ढा का खा था का, फिर भिस भुट फुर ढब ढक थम झट झन झत धर खिल फल खुर घुर लिख रख पढ़ लठ सुध। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।